जय हिंद दोस्तों। ए हम लोग आ रहे हैं गोपाल कृपाल, इन लोगों ने सुबह सुबह कैंटीन में तीन तीन रोटियां खाए है। गोपाल ने 40 रोटी एक ने खाई है, टोटल 80 रोटी। मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं एलपी का मॉर्निंग शिफ्ट, जो आप लोगों को दिखाएगा ओकरा भिंडी कल्टीवेशन का जो सीन है, हम लोग कैसे कर रहा है ग्रीन हाउस में। तो ये हमारा दोस्त जो लेबर है भैया, ये उस पर एक लेबर का काम कर रहे हैं ग्रीन हाउस में, इसका ओकरा कल्टीवेशन है। एंड ओकरा वो ग्रीन हाउस का नाम है कुहाई ओकरा खेती। ईएलपी का अभी मतलब कंटिन्यू हो रहा है ईएलपी डेज। वहाँ पे हमारा वो ओकरा का वो फार्मिंग चल रहा है, उसका नाम है गुहाए ओकरा खेती। तो चलिए आप लोगों को वो ओकरा फार्मिंग दिखा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं हम ओकरा कल्टीवेशन कर चुका है, ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया है और फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गया है। एंड यहाँ पे कुछ कुछ डिजीज है वो हम लोग कट कर चुके हैं अभी तक हम लोग कितना 220 केजी हार्वेस्ट कर चुका है। अभी और हार्वेस्ट चल रहा है, अभी हम आप लोगों को वो लेबर दिखाएगा जो यहाँ पे काम करता है। ये हमारा लेबर है और ठीक हो दादा, ये यहाँ पे 10 साल से नहीं 6 महीने से काम कर चुका है यहाँ पे। कुछ कहना अच्छा लगा है काम करके यहाँ पे। आप देख सकते हैं 20 केजी ऑलरेडी हम लोग प्रोडक्शन कर चुके हैं और इनके गाइडेंस सुपरविजन में हम लोग कर रहे हैं, अच्छा लगा है। और एक दादा है प्रियव्रत भैया दादा, जो कुछ काम का नहीं है, सिर्फ पानी देता है यहाँ पे। ये थोड़ा हैंडसम है, तुम्हारा चश्मा कहाँ गया? चश्मा तो भूल गया। तो आप लोग ओकरा देख चुके हैं, अभी हम लोग ओपन फील्ड कंडीशन में जरबरा कर चुका है। एंड यहाँ पे मस्टर्ड ग्रीन एंड कोरिएंडर ब्रॉडकास्टिंग कर चुका है, लेकिन अभी तक वो जर्मिनेट नहीं हुआ है। होप सो हमारा ईएलपी ख़त्म होने से पहले ये जर्मिनेट होगा। ये जो हमारा फार्मर है ऑट्री क्रो दादा, ये नॉलेज नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत है, बिकॉज एक्सपीरियंस हैज एन एक्स्ट्रा पॉइंट। सो दादा को पूरा विश्वास है कि ये जर्मिनेट पहले होगा। हाँ, हो जाएगा, यहाँ पे हम कुछ 2-3 दिन पहले ही शो कर चुके हैं। Later that same evening. शाबाश बेटा।